विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी अध्याय 2 समीकरण। कल अपन ने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, विद्या जी के प्रश्नों का 8 प्रश्नों का अभ्यास किया। आज अपन अगले प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में विद्यार्थी के सवाल है। विद्यार्थी के सवाल से समीकरण बना करके उनका मान ज्ञात करना होता है। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया राहुल व हारून की वर्तमान आयु में 5:7 है। उनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ अनुपात दिया गया, तो मैंने आपको बताया था अगर ये अनुपातों के साथ में एक लगा दो तो उनकी वर्तमान आयु माना। मान कर ही जाएंगे राहुल की वर्तमान आयु राहुल की तो मान लेंगे अपन 5x। अब ये क्या लगेगी हारून की वर्तमान आयु इसका अनुपात दिया है 7x। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद फिर नीचे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 4 वर्ष बाद हो जाएगी 5x+4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष इसमें मिल जाएगा। अब आगे चलता है 4 वर्ष बाद हारून की आयु की आयु इसका अनुपात दिया 7x वर्तमान है इसमें भी 4 जोड़ देंगे 4 वर्ष। अब अपन से प्रश्न कर रहा है 4 वर्ष बाद जो आयु है इसका योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो आगे याद करेंगे तो हमारा 5x+4+7x+4=56 इन्हीं दोनों की आयु का योग 56 हो जाएगा। अब इन समीकरण को हल करेंगे 7 + 12 तो हो गया 12x+8=56। पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास जाएगा 12x=56-8 12x=48 x=48/12 x=6 का मान है। अब इनकी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं राहुल की वर्तमान आयु इसकी वजह की अपन 5x है अर्थात 5×4 बराबरी 20 वर्ष। ये तो अभी अब निकाल लिया कैसे हारून की वर्तमान आयु प्रश्न नंबर 10 में दिया है हमको किसी कक्षा में
बालक व बालिकाओं की संख्या में अनुपात दिया है, 7:5 पांच दिया है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? बिल्कुल ये कहिए प्रश्न में अनुपात दिए, तो सबसे पहले मान के करेंगे हम मान बालकों की संख्या, बालकों की संख्या को मानेंगे अपन 7x, बालिकाओं की संख्या 5x। प्रश्न कहता है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 आती है, तो इन अर्थात दोनों का अंतर 8 हो गया, तो चाहे दोनों को बराबर रख करके बालिकाओं में 8 हो तो बराबर हो गए, तो अगर हल करेंगे अपन 7x बालक माइनस 5x बराबर 8, यानी दोनों का अंतर कितना है 8 का है। आगे हल कर दीजिए 2x बराबर 8, x बराबर 8 बटे 2x बराबर 4, तो ऐसे करो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x बराबर 5x, 8 अधिक है 12 का अधिक है तो भाई तो हम लोग इस तरीके को हल करेंगे, अक्षांतर करेंगे 7x माइनस 5x बराबर 2x बराबर 8x बराबर 8 बटे 2x बराबर 4, पहले तो हमने ये निकाला। अब निकालेंगे बालकों की संख्या, बालकों की संख्या हो गया कि हमारी 7x अर्थात 7 गुणा 4 बराबर 25, बालिकाओं की संख्या की संख्या 5x अर्थात 5 गुणा 4 बराबर 20, अगर कुल संख्या कक्षा में कुल दूसरा है कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी 45, कुल संख्या हमारी 45 आ जाएगी, तो वो कर देंगे हम। इस प्रकार आपने देखा कि समीकरण को हल करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है प्रश्न में दिया क्या है, उसके अनुसार अगर प्रश्न को घुमाएंगे तो आराम से हल हो जाए। अभी मैं आपको पांच के लिए बताया था दोनों का अंतर कितना है 8 है, देखो ये तो मेरे 12 28 है, ये 20 है, 12 8 उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 35 वर्ष बड़े हैं, यानी इस भाई जो है उसके पिताजी है दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं, खुद से भाई जो से 35 वर्ष बड़े हैं, यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की है तीनों की आयु, तो इनमें से तीनों में से अपन सबसे पहले बीच में मध्य पिता की पिता की ज्ञात करते हैं। हाँ वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को मान लिया हमने एक्स वर्ष, अब दादाजी की लिख करते दादाजी की वर्तमान आयु जो है एक्स प्लस 26, यानी दादाजी 26 वर्ष बड़े ये 26 वर्ष छोटे हो जाएंगे, ये दादाजी आप करेंगे पाई आगे हटाएंगे, तो 3 तो x बटे
पैंतीस उठे गए हैं बराबर 133। हर बढ़ेंगे पक्षांतर करेंगे आप तीन एक्स बराबर 133 प्लस के हो जाएंगे यहाँ तीन एक्स बराबर 138 एक्स बराबर 138 बटे एक्स बराबर 3×12 एक्स एक्स मान जा रहा है आपका पिता के वर्तमान आयु यानी 46 वर्ष। अब तीनों का एक बार सबसे पहले पिता की आयु एक्स है तो एक तो है 46 वर्ष ये तो पिता की होगी। अब ये देख दादा की दादा की है एक्स प्लस 36 अर्थात 46 प्लस 36 बराबर हो गया 72 वर्ष। अब आइए भाई चुनी भाई चुन कर दिया अपने पास एच माइनस 39 अर्थात 46 माइनस 39 अपने आप में 16 में से हो गया तो 7 में से 17। अब हमारे को कंफर्म करते हैं तीनों को दूर करके देखते हैं पहला सवाल चाहिए भी पहला 46 71 और 17 जो रहेंगे 6, 8, 8, 15, 5, 5, 1, 5, 12, 13 जाने इसका हमारा सवाल सही है। तो इस प्रकार आपने एक एक की आयु ज्ञात कर लेते। अब है प्रश्न नंबर 12 अपन से कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात मान रवि की वर्तमान आयु एक्स मान लो 15 वर्ष बाद रवि की प्रश्न कह रहा है उसे 15 वर्ष बाद यानी एक्स प्लस 15 तो उसकी वर्तमान आयु क्या है कि कितनी होगी यानी 4 होनी तो उसकी वर्तमान आयु क्या थी यह अपन ने जैसे देखा 15 वर्ष बाद तो अपन ने जोड़ दिया उसकी वर्तमान आयु है एक्स उसकी 4 होनी चाहिए 4 से गुणा करके हल करेंगे एक्स प्लस 15 बराबर 4 एक्स माइनस 4 एक्स बराबर माइनस के 15 माइनस के 3 एक्स बराबर माइनस के 15 माइनस से माइनस एक्स बराबर 15 से 3 अर्थात एक्स बराबर 5 अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। अब अपन जांच कर सकते हैं 5 में 15 होगा तो 20 वर्तमान आयु कितनी है 5 की 4 होनी 4 से 15 का 5 होगा 20 दोनों अपने पास बराबर हो जाएंगे अपना जांच कर सकते हैं एक्स प्लस 15 बराबर 4 है 15 यहाँ एक्स बराबर 5 5 प्लस 15 बराबर 4 5 5 20 बराबर तो हमारे प्रश्न के अपन को इस प्रकार तीन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं आप भी इनको